का जर्नलिस्ट हूँ। अभी इस वक्त जो है वो मेरा एक साल का एक्सपीरियंस है लाहौर रंग और न्यू टीवी के साथ, मैं एक रिपोर्टर की हैसियत से जो वो काम कर रही हूँ। टोटल 6 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने दुनिया न्यूज़ में काम किया, मैंने चैनल 5 में काम किया, इसके अलावा वक्त न्यूज़ में 2.5 साल मैंने काम किया। अभी इस वक्त जैसा कि मैंने बताया कि 1 साल का मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ लाहौर रंग का। ये फील्ड जो है वो जर्नलिज्म बहुत मज़े की फील्ड है और एनवायरनमेंट आपने खुद बनाना होता है। किसी भी ऑफिस में जाएं तो आपको एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिलता। ड्यूरिंग कवरेज जब आप फील्ड में जाती है तो किस किस्म के मसाइल आपको सामने आते हैं, जो स्टार्टिंग में क्या कौन से मसाइल थे और अब तक इसको किसके ऊपर कितना आपने कवर कर लिया है कि कॉन्फिडेंस बिल्ड कर दिया अपना कि आप उन हालात को कंट्रोल कर लेती है, तो स्टार्ट में किन मसाइल का सामना था ड्यूरिंग कवरेज और अब किन मसाइल का सामने बीइंग अ फीमेल रिपोर्टर प्लीज। अच्छा, सबसे पहले जब मैं इस फील्ड में आई तो हमारी जो फैमिली के मेम्बर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। मेरे फादर को बोलते थे कि लड़की या लड़की ज़्यादा क्यों उसको घर से बाहर निकलते, तो वही जर्नलिज्म की फील्ड है, आप कभी ये कहीं होगी कहीं पर ब्लास्ट हो जाता है तो कैसे लड़की जो है वो इसको हैंडल करेगी। तो मेरे फादर जो थे वो उनको अपनी बेटी पे जो है वो पूरा भरोसा था, उन्होंने कहा नहीं मेरी बेटी जो है वो कर सकती है और करने की ठान भी ली है। सो मैं बाहर निकली, लोगों की जो उनकी परेशानियाँ थी वो उनके कमेंट्स होते थे उन पर उनको भी कान नहीं धरे। पहले जब मैं फील्ड में निकला करती थी लोग तरह तरह के कमेंट करते थे, देखो लड़की आ गई है फील्ड में, अब ये पता नहीं कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। लेकिन उन सब के तासुरात को मैंने नफी किया और अब मुस्बत शक्ल बन के मैं बाहर निकली हूँ, कवरेज भी करती हूँ और मैं अपने आप को एक मर्द जो है वो कंसीडर करके निकलती हूँ। हालात कैसे भी हों, लड़की हूँ, लेकिन डरना किसी से नहीं है, झुकना किसी से नहीं है, बिल्कुल सच्चाई पर अपनी खबरें देनी है और वो मैं दे भी रही हूँ। सबसे पहले जब आप फील्ड में आई, जब आपको लगा कि कुछ लोग आपको जानना शुरू हो गए आपके फैमिली में आपके फ्रेंड में कि यार ये आयशा की मासत पढ़ती थी या हमारे मामू की बेटी है, खाला की बेटी है और ये टीवी पे आ रही है, खुशी इंसान को होती है। कामयाबी का सफ़र जब आपको महसूस कर मैं कामयाब हो चुकी हूँ या मुझे लोग जानते हैं, वो कौन सा दिन था, कौन सी खबर थी जिस पर आपको लोगों ने सोशल मीडिया पर कमेंट दिए आपको और आपको अप्रिशिएट किया गया, वो कौन सा दिन था और कौन सी खबर थी आपको कुछ याद हो? स्पेशली अगर बात की जाए स्पेसिफिकली किसी खबर की, तो खबरें तो डेली बेसिस के ऊपर हम लोग कहते हैं, जिसमें नेगेटिव खबरें भी बहुत ज़्यादा होती हैं, पॉजिटिव खबरें भी होती हैं, तो डिपेंड करता है कि किस खबर के ऊपर लोग जो है वो आपको ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। मेरा काम जो है वो स्पेशली जो लोग मतलब गरीब लोग होते हैं उनको हाईलाइट करना या जो मजबूत डिसेबल लोग होते हैं उनको हाईलाइट करना, और स्पेशली मैं रिपोर्ट्स बनाती हूँ जैसा कि फीचर पैकेजेस हो गए, फीचर रिपोर्ट्स हो गई, जैसे कि डिसेबल है वो अपना इलाज नहीं करवा सकता उसको हाईलाइट किया टीवी पे चलाया, कोई उसकी जब इमदाद कर देता है मदद कर देता है तो मैं समझती हूँ कि सहाफत में आने का मेरा जो फ़र्ज है वो पूरा हो गया। उस बात की खुशी मेरे पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा होती है, और जब मैं अपने फ्रेंड्स को बताती हूँ जब फलां बंदा था डिसेबल था बहुत ज़्यादा गरीब था उसकी हेल्प करने वाला कोई नहीं था लेकिन मैंने खबर चलाई उस पर एक्शन हुआ और अब देखो उसका इलाज भी हो गया और वो बिल्कुल तंदुरुस्त है। बीट की अगर बात की जाए तो हर बीट ही हम लोगों ने आसान बना दिया। अब पॉलिटिकल बीट की अगर बात करें खवातीन रिपोर्टर उसमें भी नज़र आएंगी, अगर टूरिज़्म की बात करें खवातीन उनमें भी नज़र आएंगी, शोबिज़ हो स्पोर्ट्स हो हर बीट में खवातीन नज़र आती है। सो किसी एक बीट की अगर बात करें कि स्पेसिफिकली खवातीन के लिए जो है वो बेस्ट हो, तो मेरा ख्याल है कि वो अभी ऐसी बीट कोई बनी नहीं है जिसमें खवातीन जो है वो अपने कदम ना जमा सकें। नए आने वाले स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देंगे, जर्नलिज्म ज्वाइन करें अगर करनी है उन्होंने तो किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करें? मेरा ख्याल है कि नए आने वाले जो हमारा जो यंग टैलेंट है, हम जैसे जिनका एक्सपीरियंस हो चुका है 1 साल का 2 साल का 5 साल का 6 साल का, हम लोग उनको गाइड करेंगे कि वो अच्छे से आए। यहाँ पर बहुत अच्छी फील्ड है। अब ये कह लें कि इसमें अर्निंग जो है वो इतनी नहीं होती है इस फील्ड में, लेकिन अगर आप डट कर काम करते हैं, अगर सच्चाई पर मबनी खबरें जो हैं वो देते हैं, तो वो वक्त दूर नहीं है कि आपका एक नाम होगा, आप अपना आप मनवा सकेंगे सब में और आप सभी कहते हुए नजर आएंगे कि हाँ फलां रिपोर्टर था, फलां बंदा था जिसने जर्नलिज्म में इतना काम किया और अपना जो है वो एक नाम बनाया। मैं सबको यही सजेस्ट करना चाहूँगी, खासकर खवातीन को, घरों में ना बैठे बाहर निकलें। जर्नलिज्म की फील्ड जो है वो बहुत अच्छी है, बहुत वसी है, बहुत कुछ है इसमें करने में, बस देर से भी बात की है कि आप आएँ इसको सीखें और अपना आप दिखाएं। बहुत शुक्रिया आयशा आपका, इनकी रिपोर्ट्स आप न्यू न्यूज़ लाहौर रंग पर ज़रूर देखा करें। आपका कोई यूट्यूब चैनल है? नहीं, यूट्यूब नहीं है, बनाऊंगी बहुत जल्दी। चले, इनका यूट्यूब चैनल बनेगा तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, इनकी रिपोर्ट्स को देखते रहें। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।